हाँ जी बच्चे, अज आपां 2.3 दा पहला सम करन लगे हाँ। सोल्व द इक्वेशन एंड चेक यूअर रिजल्ट। समीकरण नू हल करो ते उत्तर दी पड़ताल करो। बेटे अगे ही तुसी कर चुके हो। आपां इहदे विच एक्स दा मुल पता करना है। एक्स दी वैल्यू फाइंड करन वास्ते आपां की करांगे, ए जिहड़ी एक्स वाली है प्लस विच है, इनू असी अगे लियावांगे, ये माइनस दी हो जाएगी और पिछे कला 18 रह जाएगा। 3 माइनस 2 की आ गया 1, यानी कि 1x, यानी कि x x इक्वल टू 18। दिस इज योर सल्यूशन। नाउ वी वॉन्ट टू चेक योर रिजल्ट। फर्स्टली वी राइट द स्टेटमेंट, देन वी पुट द वैल्यू इन दिस स्टेटमेंट। एक्स 18 आया है, इनू आपां इत्थे ते इत्थे भरांगे। पुट एक्स इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 विच एक्स दा मुल भरन ते की प्राप्त हुंदा है, देखो बड़े ध्यान नाल देखना। 3 दी थां ते 3, एक्स दी थां ते असीं इक खाली थां छड्डती। इक्वल टू 2 दा 2 और एक्स की थान पर असी खाली थान छड्डती, प्लस 18। हुण देखो एक्स का आंसर की सीगा 18, तो इत्थे भी असी 18 भरता, इत्थे भी असी 18। तो जिहड़ी स्टेटमेंट सी उहदे विच एक्स की थान पर असी जो सल्यूशन आया सी वह फिल करता। हुण असी इहनू दोनों साइड्स नू सोल्व कर, 18 3 = 54 इधरों सोल्व करांगे, 18 2 = 36 प्लस 18, ऐ दोनों प्लस करो, देखो कितना आ रहा है। देखो दोनों साइड्स इक्वल आ गई, एदा मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जदों दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, एदा मतलब हुंदा है कि जिहड़ा साडा सल्यूशन है वो ठीक है। असी अपना सम चेक कर लिया, असी सवाल की पड़ताल कर ली कि साडा जिहड़ा आंसर है ओ ठीक है। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर पड़ताल। थैंक यू।